क्लास 9 सब्जेक्ट में टॉपिक सर्कुलर 10.3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह, इफ टू सर्कुलर्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। फिर से मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या है। इफ टू सर्कुलर्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, दो सर्कल आपस में काट रहे हैं दो पॉइंट ऊपर, जो मैंने पहले कुछ नहीं बताया किस तरह काट रहे हैं। प्रूव दैट देयर सेंटर जो है लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो सेंटर है उनका, जो हम उन पर वो कहाँ पर होगा, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, जो कॉमन कॉर्ड है यहाँ पर। यानी ये जो दो सर्कल आपस में काट रहे हैं, ए बी इज़ द कॉमन कॉर्ड इस सर्कल का भी विद सेंटर ओ, ए बी इज़ कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल विद सेंटर ओ डैश। कहते हैं कि ये जो यहाँ से ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर है, विच लाई ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यानी ये पॉइंट ई इहंदिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, अगर यहाँ कॉर्डस त्रो अस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो पॉइंट अस इमी जाए सो सेंटर ये अथ लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिखेंगे, कंसिडर, मैंने अब दो सर्कल लिए, कंसिडर टू सर्कल्स। ठीक है, टू सर्कल्स सेंटर्ड मतलब वो कुछ कुछ सेंटर्ड एट पॉइंट ओ एंड ओ डैश। इंटरेस्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ज्वाइन ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओ। यानी ए बी जो है, ये पहले हम इसका कार्ड देखेंगे, यानी ए बी किसका कार्ड है, जिसका सेंटर ओ है। देयरफॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विल पास थ्रू सेंटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये यहाँ ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो यहाँ सेंटर से आएगा, वो सेंटर इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे इस कॉर्ड को ए बी, व्हेन कॉर्ड ए बी इज द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल यानी विद सेंटर ओ। अगेन शाबाश, ए बी इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओ डैश। यानी उस सर्कल, यानी ए बी जो है, ये इसका भी कॉर्ड है। देयरफॉर यानी ओ डैश वाले सर्कल को, जिसका उस सर्कल का जिसका सेंटर ओ डैश है। देयरफॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विल ऑल्सो पास थ्रू ओ डैश। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ए बी को यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, फिर ये सेंटर उसी लाइन पर आएगा। क्लियरली हम क्या कह सकते हैं, क्लियरली द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ दी सर्कल्स of the दी circle lie on the perpendicular bisector of the common chord AB। यही प्रूव करना था कि ये जो
सेंटर हैं, दोनों सर्कलों के सेंटर जो हैं उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आएंगे जो हम कार्ड पर डाल रहे हैं। यानी क्योंकि यहाँ से यहाँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हम अगर हम इस पॉइंट को L रखेंगे तो ओ एल भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसी कार्ड ए बी को, ओ डैश एल भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। Therefore, we can say that the centers of these circles lie on the perpendicular bisector of the common chord. ये आपका question number 3 था, exercise 10.3।